coming to the next question, which is question number 25. If O is the center of the circle, यहाँ पे जो हमें circle दे रखा है O इसका center है, find the value of x in the following figure. इस figure में आपको यहाँ पे x की value find करनी है. So यहाँ पे देखो, अगर x की value निकालनी है तो सबसे पहले आप देखोगे आप क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हो. अभी यहाँ पे हम एक theorem use करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको वो theorem समझा रही हूँ. I hope आप सबको वो theorem पता होगी, but still let's recall it. अगर आपके पास कोई सर्कल है एंड लेट्स सपोज ये और ये मैंने बता दी, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए बी, और ये ए बी जो है दिस इज दी आर्क ऑफ दी सर्कल, राइट. अब यहाँ पे अगर सेंटर है तो इस आर्क से यहाँ पे एक एंगल बन सकता है इस तरह से, और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लू तो इस आर्क से ये भी एंगल बन सकता है, राइट. सो आपको इससे एक थ्योरम याद आएगी जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रही है और वही आर्क से एक और एंगल किसी और पॉइंट पे बन रहा है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये इसका डबल होगा. मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो 40 का डबल ये होगा 80 डिग्री, अंडरस्टैंड. तो ये हमें पता है कि अगर एक आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रही है और वही आर्क किसी और पॉइंट पे एक एंगल बना रही है, तो जो सेंटर वाला एंगल है वो दूसरे एंगल का डबल होगा, ठीक है. तो यही जो हमारा थ्योरम है इसको हम यूज करते हुए चलते हैं. तो आप अपनी फिगर में देखो, यहाँ पे ए सी ये एक आर्क है, सेंटर के साथ एक एंगल बना रही है 120 डिग्री का, और यही ए सी पॉइंट पी से भी एक एंगल बना रही है ये वाला. सो इस एंगल से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, मतलब कि ये जो एंगल होगा, एंगल पहले हम नीचे वाला लिखते हैं, ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी. मैंने अभी इन दोनों एंगल की बात करी है. अब ये इक्वल तो नहीं है, हमें पता है कि ये जो एंगल है ये डबल होगा, तो मतलब जो भी ये एंगल है इसको अगर मैं टू टाइम्स कर दूंगी तो ये एंगल आएगा डबल, का मतलब यही होता है. सो नाउ ये एंगल हमें कितना गिवन है, ए ओ सी हमें 120 डिग्री गिवन है, राइट, एंड इट इज डबल ऑफ ए पी सी. तो यहां से मैं एंगल ए पी सी फाइंड कर सकती हूँ, इट विल बी 120 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट. सो अभी हमने जो एंगल निकाला ये एंगल निकाला और ये हमें पता चल गया 60 डिग्री है. और यहाँ पे जब आप ये लिखोगे तो इन ब्रैकेट आप पूरी वो जो थ्योरम है हमारी वो मेंशन करोगे, तो आप पूरा ये थ्योरम लिखोगे कि जब एक आर्क हो सबसे, वो आप थ्योरम पूरी पढ़ लेना, काफी लॉन्ग सी थ्योरम है, वो आपको पूरी मेंशन करनी पड़ेगी. नाउ अब ये जो हमने एंगल 60 डिग्री का निकाला, इससे हमें फायदा क्या होगा, वो ये होगा कि अगर आप इसी सर्कल में देखो तो ए बी सी पी ये जो है ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेटर की हमें पता है चार वर्टेक्स होते हैं, अगर ये चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं तो वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाता है. और एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. सो अगर हम इस कोऑर्डिनेटर की बात करें, तो मैं यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंगल पी हमारे पास है और मुझे पता है इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होगा. सो ये जो एंगल बी बन रहा है इस कोऑर्डिनेटर में, ये एंगल लेट्स कॉल इट एंगल वन, ठीक है, लिखने में इजी हो जाएगा. सो आई कैन राइट दैट एंगल वन, या पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. सो वी हैव ए बी सी पी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ओके, एंड सिंस इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सो एंगल ए पी सी मींस दिस एंगल प्लस एंगल वन जो मैंने अभी यहां पे नेम दिया है इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में मेंशन करेंगे इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री होता है. सो एबीसी अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री है प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 60. सो लेट्स सी 180 में 60 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया, वी हैव 2 एंड दिस इज 1. तो हमारे पास आ गया एंगल 1
120 degree. Right? So, ये आ गया 120 degree. Now, अब हमें जो find करना था, वो angle 1 नहीं, हमें x find करना है. So, अगर आप देखो, AD एक line है, इस तरह से ये divide हो रहा था, ये angle 1 है, ये angle x. So, you can see ये straight line पे है. So, this means, we can write angle 1 plus x equals to 180 degree. Reason क्या होगा? Simple सा, linear pair. Correct. So, अब हमारे पास angle 1 की value है 120 plus x equals to 180. So, x equals to 180 minus 120. So, x equals to 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6. So, ये आ गया 60 degree. So, therefore, x की value हमारे पास आ गई 60 degree. Okay, यही हमें find करना था. So, this was question number 25. Let's come to the next question.